सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। किसान वफादारी कहाँ है, पेमेंट नहीं करने का कुछ नहीं है, बताओ सरकार इनकी मील इनकी जब करने का भुगतान नहीं हो रहा। पिछली बार तो सारा भाजपा में गया था, परंतु अब की बार देवव्रत जो खड़े हैं त्यागी समाज का आदमी है, इस वजह से ऐसे भी वोट मिलेंगे। मजबूरी होती है हमारे कि किसी को भी खड़ा कर दो, चलो भाई पार्टी को वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यू भी तो चाहें कि भाई हमारा भी कोई आदमी खड़ा हो, अपना आवाज़ उठाने वाला भी तो कोई वहाँ हो। शोभाराम जी बताइए क्या कर रहे हो इस बार चुनाव में? चुनाव में हम तो हर बार बीजेपी को देते हैं, बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं पक्के। हाँ जी, लेकिन ये हमको ये समझ गए कि ये हमारे बंधवाए हैं, हमारे नौकर हैं, जाएंगे कहाँ। यहाँ बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे और उनकी बहुत लंबी कतार थी, उन्होंने बॉम्बे से अब उन्होंने बॉम्बे से क्यों बुलाया, अरुण गोविल जी की बात। हाँ वही तो, यहाँ बहुत सारे नेता हैं, बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, सुलझे हुए बहुत पुराने नेता, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं और बहुत हैं, अमित अग्रवाल जी हैं और बहुत हैं, लंबी कतार थी लगी हुई, तो लंबी लाइन में से कोई उन्हें पसंद नहीं आया। मतने को भाई होने लगेगा मेरा, मैं कुछ चुका दूंगा, बाकी वोट हम देंगे, वोट ना दें हम ना दें बीजेपी जी। हाँ जी, आप किधर जाने की सोच रहे? अब की बार देवव्रत त्यागी को वोट दें। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी मेरठ लोकसभा के चंसारा गांव में हैं, यहाँ खरगोदा इलाके में आसपास ज़्यादा कई सारे त्यागी गांव हैं और इस बार बसपा से देवव्रत त्यागी जी उम्मीदवार हैं, वहीं भाजपा से अरुण गोविल जी हैं और बसपा से सपा से सुनीता वर्मा जी है। आइए पता करते हैं कि इस बार त्यागी समाज क्या रुझान है, क्या देवव्रत त्यागी जो बसपा से उम्मीदवार है क्या उनके प्रति ज़्यादा रुझान है, पिछली बार की तरह भाजपा के प्रति रुझान है। आइए बात करते हैं जी। राम राम। तो जी क्या नाम हो जी आपका? अनिल। अनिल जी, हाँ अनिल जी बताइए ज़रा, चुनाव आ रहा है, क्या यहाँ पर माहौल क्या बन रहा है अभी? माहौल तो त्यागी का है, त्यागी के लिए वोट जो है देंगे देवव्रत त्यागी। देवव्रत त्यागी, ऐसा क्या हो गया लेकिन इस बार, क्योंकि पिछली बार तो लगभग त्यागी समाज अगर मैं गलत नहीं हूँ साथ ही रहा है। हाँ जी। लेकिन जो है अब की बार में भाई ये देवव्रत त्यागी को अगर भाजपा से टिकट मिला होता तो भाजपा की सीट थी। हाँ, तो आपको नाराजगी है कि उनको वोट टिकट नहीं मिला? नहीं, नाराजगी भाजपा से भी नहीं है और इससे भी नहीं है, बसपा से भी हमें तो अच्छा। हाँ वैसे ये बताइए कि मैं इसलिए भी पूछ रहा क्योंकि मुजफ्फरनगर में भी बहुत बड़ी पंचायत हुई त्यागी समाज की और वहाँ पर भी उन्होंने, वहाँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं संजीव बालियान, उस पर भी बहुत नाराज़गी जताई और उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो उम्मीदवार है सुनील त्यागी निर्दलीय उम्मीदवार, हम उधर ही वोट करेंगे। तो इस बार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि त्यागी समाज, मतलब पिछली बार तो ये लगा था कि भाई त्यागी समाज बिल्कुल भी कैंडिडेट नहीं देख रहा है, सिर्फ ये करती है कि त्यागी को तो टिकट देती नहीं, अब त्यागी बहुल्य क्षेत्र है सारा ये। हाँ जी, त्यागी को टिकट ही नहीं देती है। हाँ जी, अब की बार बसपा ने दिया है टिकट तो वोट तो करानी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि त्यागी समाज को उसमें अपना एक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है? हाँ जी, ठीक है, चलिए आपसे बात करते हैं। अच्छा आपसे, अरे यहाँ तो सभी एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। बताइए जी साहब, क्या नाम हुआ? बबलू त्यागी। बबलू जी क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। आप खेती करते हैं। बबलू जी कैसे रहे हैं 10 साल ये सरकार के किसानों के लिए? किसान वफादारी कहाँ है, पेमेंट नहीं करने का कुछ नहीं है, बताओ सरकार इनकी मील इनकी जब करने का भुगतान नहीं हो रहा और रेट भी उस तरीके से नहीं बढ़ा जो नहीं बढ़ा जो बढ़ना चाहिए तब। तो ये बताइए, और ये आवारा पशु से यहाँ पर भी दिक्कत है बहुत ज़्यादा? कोई खेत ऐसा नहीं है जिसके पास नुकसान नहीं है। ये बताइए त्यागी समाज इस बार वहाँ मुजफ्फरनगर में भी इतना नाराज़ हमने देखा, कैराना में तो खैर ज़्यादा वोट है नहीं त्यागी समाज की लेकिन वहाँ पर भी ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे, इधर भी आप लोग बहुत नाराज़ हैं, ऐसा क्या हो गया है इस बार? जब त्यागी को टिकट ना देंगे तो यही हाल होगा। भाई जो उनसे जिस भी पार्टी ने दिया था हम तो बिरादरी के साथ लगने लगेंगे, रहें साथ तन मन धन से बिरादरी के साथ हैं। तो आपको लग रहा है बिरादरी को उस तरीके से एक उसमें वो मिल नहीं रहा है, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं रहा पार्टी में? ठीक है, अगर त्यागी समाज को बसपा ने नहीं दिया होता मान लो, बाकी समाज और बाकी कैंडिडेट वही होते जो बाकी पार्टियों के हैं,
फिर क्या करता त्यागी समाज? जबकि जब देखते हैं अब तो वर्तमान के साथ खड़े हैं। अच्छा, अब आप त्यागी जी के साथ? बिल्कुल साथ हैं। यहाँ मेरे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस सीट पर, मेरठ सीट पर लगभग 60-70 हज़ार त्यागी वोट है ना? ज़्यादा ज़्यादा है, 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख के, 1.5 या 2 लाख के आसपास। अच्छा, आइए गाँव में इधर चल के और लोगों से बात करते हैं। यहाँ दुकान है एक, पहले आपसे बात करते हैं जी। राम राम जी, क्या नाम हो आपका? मनोज त्यागी नाम है जी। मनोज त्यागी जी, बताइए चुनाव आ रहा है, क्या रुझान है आपका? हम तो देवव्रत त्यागी जी के साथ है जी। देवव्रत त्यागी जी के साथ है, ऐसा क्या हो गया? पिछली बार तो त्यागी समाज एक तरफा भाजपा पे गया था ना, भाजपा की ऐसी कोई दुश्मन आएगी भी ना, पर अब का बसपा में ही बढ़ेंगे, मतलब अपने बिरादरी के साथ पहले जाने में जाने। यहाँ घर पे कुछ लोग बैठे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राम राम ताऊ जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गिरीश त्यागी है। गिरीश जी, चुनाव आ रहा है, इस बार क्या माहौल बन रहा है आपके गांव में, खास करके त्यागी समाज के बीच में? त्यागी समाज और हरिजन समाज यहाँ दो ही ज़्यादा हैं, हैं तो और बिरादरी भी, गुज्जर भी हैं और जोगी फकीर ये सभी हैं। हाँ जी, परंतु रुझान जो है यहाँ 50% तो है इसका मोदी सरकार का। हाँ जी। और 50% है इसका बीएसपी का। अच्छा, बीएसपी पे क्यों इस बार आधे जा रहे हैं? पिछली बार तो एक तरफा ही त्यागी समाज लगभग भाजपा में गया था। हाँ जी, पिछली बार तो सारा भाजपा में गया था, परंतु अब की बार देवव्रत जो खड़े हैं त्यागी समाज का आदमी है, इसमें ऐसे ऐसे भी वोट मिले। वैसे अगर मान लीजिए त्यागी समाज से नहीं दिया होता बसपा ने वोट कैंडिडेट, तो तब भी क्या टूट के उधर जाते लोग त्यागी समाज, या नहीं जी तब भाजपा ही रहते? भाजपा ही रहते जी। मैं कह रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर में भी बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी त्यागी समाज की, वहाँ पर भी उन्होंने घोषणा कर दी कि हम भाजपा पे वोट नहीं करेंगे, अपने निर्दलीय उम्मीदवार पर करेंगे, सुनील त्यागी। इस बार क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों इस बार त्यागी समाज से अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं? अजी कुछ ना, ये तो डराने वाली बात है, तुम देख लेना, ये आखिर में भाजपा पे ही पड़ेंगे, भाजपा पे ही पड़ेंगे ज़्यादा आपको लगेगा। हाँ जी, तो गांव में जो आप कह रहे हैं 50-50 है, आधा इधर है आधा उधर है, उसका क्या होगा? नहीं अब तो यूँ है कि अब जब वो त्यागी हैं खड़े हैं तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वोट नहीं कर रहे? नहीं, वोट भी कर रहे हैं। वोट भी कर रहे हैं? हाँ, वोट भी करेंगे, करेंगे। नहीं नहीं, आप कह रहे थे ना कि अंत अंत तक वोट वहाँ पर ही करेंगे भाजपा पे। नहीं, वो मैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर की अब बात करें, चलिए वहाँ का तो अलग हिसाब किताब। जी साहब, आपका नाम क्या हुआ? रामनाथ। रामनाथ जी, रामनाथ जी, आप इसी गांव से हैं त्यागी समाज से? हाँ जी, बताइए ज़रा चुनाव का क्या रुझान लग रहा है? अजी हमें तो ये लग रहा है कि फूल जीतेगा। हाँ जी, हाँ ठीक है, आप फूल की तरफ हैं। हाँ ठीक है। और ये जो ताऊ जो कह रहे हैं कि भाई इस बार बटा हुआ है, ये भी अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। गाँव बटा हुआ है क्या? हाँ हाँ। चलिए कुछ और लोगों से बात करिए। जी साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरेश है जी। नरेश जी, बताइए इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? वह हमारे हिसाब से तो ये ऐसा मतलब जो है देवव्रत त्यागी को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। आप देवव्रत त्यागी की तरफ हैं? हाँ जी बिल्कुल। ऐसा क्यों है? पिछली बार तो त्यागी समाज बिल्कुल कैंडिडेट नहीं देखा था, एक तरफा फूल पर गया था। जब कैंडिडेट है ही नहीं हमारे यहाँ जो है, हाँ, तो अब की बार हम सोच रहे हैं जब हमारे एक आदमी को टिकट नहीं ला है तो अपना क्यों ना वजूद बना मैं। अच्छा अच्छा, कोई भी पार्टी अब तक जो है टिकट दे ही ना रही। टिकट दे ही नहीं रही, ठीक है। तो ये एक चीज़ बताएं कि अगर पार्टी टिकट दे ही नहीं रही, पिछली बार तो त्यागी समाज को फ़र्क नहीं पड़ा था इतना कि भाई हमारे कैंडिडेट नहीं है, लेकिन फिर भी भाजपा की तरफ इस बार तो मजबूरी ही हमारी। हाँ जी, मजबूरी होती है हमारे, किसी को भी खड़ा कर दो चलो भाई पार्टी को वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यू भी तो चाहें कि भाई हमारा भी कोई आदमी खड़ा हो अपना। त्यागी समाज को आपको लग रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है भाजपा में, ठीक है। भाई साहब, आप आवाज़ उठाने वाला भी तो कोई हो? हाँ जी, हाँ जी, इस वजह से हम चाह रहे हैं जी इस बात को। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम शोभा राम। हाँ जी, आप भी त्यागी समाज से? बिल्कुल जी। हाँ जी, हाँ शोभा राम जी, बताइए क्या कर रहे हो इस बार चुनाव में? चुनाव में हम तो हर बार बीजेपी को देते हैं, बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं पक्के। हाँ जी, लेकिन ये हमको ये समझ गए कि ये हमारे बंधुआ हैं, हमारे नौकर हैं, जाएंगे कहाँ? करें जहाँ कहें वहाँ जाओगे। हाँ हाँ, जाएंगे कहाँ? ये हमसे अलग जाएंगे कहाँ? हमें तो देंगे, लेकिन अब की बार हम इन्हें नहीं देंगे। अच्छा। अब की बार हम अपने को देंगे और अपने को ये सोच रहे हैं कि वो सांसद तक पहुँचे। तो एक चीज़ बताइए,
यहाँ मुजफ्फरनगर में भी एक बहुत बड़ी महापंचायत करी त्यागियों ने, त्यागी समाज ने, है ना, वहाँ पर भी उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारा जो निर्दलीय उम्मीदवार है उधर सुनील त्यागी उसी पे वोट डालेंगे। जी जी। भाई इस बार क्यों, पिछली बार तो त्यागी समाज ये कह रहा कि भाई हम सारे हिंदू हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा कौन सी जाति के हैं, तो इस बार क्यों नाराजगी हो रही, क्या भाई और भी चीज़ों की नाराजगी है, बताइए जरा। ऐसा है, यहाँ क्षेत्रीय नेता नहीं था क्या, यहाँ बहुत लंबी कतार थी। हाँ जी, यहाँ बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे और उनकी बहुत लंबी कतार थी, उन्होंने बॉम्बे से, हाँ अब उन्होंने बॉम्बे से क्यों बुलाया, अरुण गोविल जी की बात, हाँ 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 वही तो, यहाँ बहुत सारे नेता हैं, बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, सुलझे हुए बहुत पुराने नेता, लक्ष्मी कांत वाजपेयी हैं और बहुत हैं, अमित अग्रवाल जी हैं और बहुत हैं, लंबी कतार थी लगी हुई, तो लंबी लाइन में से कोई उन्हें पसंद नहीं आया, ये वहाँ से उतार कर लाएँ बॉम्बे से, तो वो यहाँ क्या करेगा। तो आप देवव्रत त्यागी जी इसलिए और भी नाराज़ है कि यहाँ स्थानीय नेता क्यों नहीं लाए, क्यों नहीं है, इसलिए भी नाराज़ है। जी जी, तो ये मुझे बताइए, अरुण गोविल जी वैसे तो भाजपा तो कह रही भाई वो तो राम का रोल प्ले करते थे, राम का, अब उन्होंने राम का रोल कर दिया, उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने राम का रोल कर दिया, राम बन जाएंगे, सही बात, कलाकार हैं वो, कलाकार हैं, कलाकार हैं वो, तो एक्टर तो कुछ भी रोल कर सके, खलनायक भी बन सके, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो राम नहीं बन सकते, उन्होंने उसका रोल कर दिया तो पैसा लिया रोल का, सही बात बोल, सही बात बोल, ऐसा। आप बताइए जी आपका क्या नाम, नौजवान रवि जी, रवि जी आप भी गांव से ही हैं? नहीं जी, हम हापुड़ से हैं। आप हापुड़ से हैं, चलिए ठीक है, भाई थोड़े गांव, हापुड़ भी वैसे इसी जिले में, इसी सीट में ही आता, तो ये बताओ, हाँ जी बताओ क्या कह रहे थे आप, इसी क्षमता हमारी तो, हाँ जी इसी में क्षमता है, किस में क्षमता है, बीजेपी में, बीजेपी में क्षमता है, बसपा में, बसपा में है आप, ठीक है, बसपा क्यों पसंद आ रही है इस बार, अपना है त्यागी समाज, अच्छा जाटव है, तो जाटव समाज, अच्छा बस एक चीज बताओ, मेरठ में जब हम घूम रहे जाटव समाज तो अभी बटा हुआ लग रहा सुनीता वर्मा और बसपा के बीच में, तो आप हापुड़ साइड क्या लग रहा है, इतनी जानकारी तो है ना, मैं बच्चे हम, पर फिर भी हम जो भी है बसपा के लिए, बसपा के लिए है, ठीक है ठीक है, अपना समाज जाटा समाज त्यागी समाज, त्यागी समाज एक तरफा बसपा के साथ, ठीक है, बसपा के आदमी है, ठीक है ठीक है, त्यागी की वजह से, आप त्यागी की वजह से, ठीक है, जब अपना अपने को भाई बीजेपी ने तो हमें कुछ समझा नहीं, एक तिल के बराबर भी है, क्या त्यागी नहीं है मेरे ठाकुर लोग, ईमानदारी से बताइए, अभी भी त्यागियों का एक हिस्सा तो होगा, क्यों लाते हैं बार बार, बिल्कुल त्यागियों को आप कह रहे हैं मौका ही नहीं मिल रहा है, मौका नहीं दिया, अच्छा एक चीज बताइए, मेरठ लोकसभा में लगभग कितनी सीटें हैं त्यागियों की, कितनी वोटें हैं त्यागियों की, 2 लाख से भी ऊपर है, मुझे लगा 2.5-3 लाख है, इतना अंदाजा, इतने नहीं, अच्छा चलिए वो पता, लेकिन 2 लाख से कम नहीं है, ठीक मेरठ हापुर लोकसभा क्षेत्र, अच्छा चलिए ईमानदारी से बताइए इस बार कितना त्यागी वोट आपके हिसाब से कट के उधर जाएगा और कितना यहीं रह जाएगा भाजपा, मेरा मानना तो ये है कम से कम 70% बहुजन समाज पार्टी पर पड़ेगा, देवव्रत त्यागी की तरफ, बिल्कुल हमारा गढ़ तक उस पे जाएगा बसपा पे, गढ़ तक लगभग 70% का अंदाजा है, ठीक है, हाँ देखो जी इरादा तो पूरा पूरा हराने का है अरुण गोविल को, बाकी बातें वोटिंग कर गड़बड़ कर दे, चाहे वो जीत जाओ, कायदा ही कहलाता है, आपके भगवान मालिक है, लेकिन टक्कर पूरी देंगे, कायदा आपका वोटिंग उस पे डलनी चाहिए, पहले डलती, ठीक चलिए, मशीन का कोई मैटर नहीं, आपको मशीन ईवीएम का भरोसा नहीं है, जो कई लोग उस सवाल को उठा रहे हैं, पिछली बार भी धोखाधड़ी हुई है, ऐसी डलनी चाहिए जैसे पहले डलती, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थोड़ा आगे भी समाज से, सर पिछली बार भी मेरा जो मानना है ये है, पिछली बार भी राजेंद्र अग्रवाल जी नहीं जीत रहे थे, बिल्कुल अंत में ही 6,000 वोटों से आगे वो कुछ गड़बड़ी हुई, ये सामने भाजपा का प्रचार भी हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी गाड़ी निकले बात करते हैं फिर, चलिए जी राम राम, तो ये थोड़ी सी गाड़ी निकल जाए, आवाज़ बहुत कर रही जी, गाड़ी खारी है, ये प्रचार की गाड़ी है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हम तो अपना समझने आ रहे हैं मीडिया से जी, तो क्या नाम हुआ आपका, नाम तो मेरा रामाश्रय है जी, ठीक जी, तो और चुनाव आ रहा है, हाँ जी चुनाव में ये जो झूठे वादे वीद हो रहे हैं ना, किसान परेशान है, बिजली दफ्तर में आज ऐसी बात सुनने को मिली है, मैं पूछो मत, किसान परेशान है, हाँ जी बिलों की झूठी माफी है, झूठी यूँ कह रहे हैं, 2-4 बाबू ने देखना लक्ष्य के बाद कैसी किल्ली काट देंगे, ऐसा हो सके, माफ नहीं है भाई साहब ये, अच्छा तो बिलों की माफी पर आप खुश नहीं है इनकी बात से जो कह रहे हैं, कहाँ खुश है, खुश का तो पुलिंदा आवेगा जितना आवेगा किसान की जान को, दफ्तरों में सारे बड़न बात ही नहीं करनी चाहते, मैं जब क्षेत्रीय ऊर्जा मंत्री हमारा सोमेंद्र ही है, हाँ जी हाँ जी,
तो भाई होने लगेगा मेरा, मैं कुछ कह दूंगा बाकी वोट हम देंगे, वोट ना दें हम ना दें बीजेपी। चलिए आप 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 नाराज लग रहे हैं कि किसी को भी वोट नहीं करेंगे? हैं किसी को ना करेंगे, अपने करेंगे। किसको करेंगे? क्षेत्र में तो करेंगे, हमारी सुनेगा अपना है देवव्रत। हाँ बिल्कुल देवव्रत पर सारे में रुका मच रहा है ना सारे में। अच्छा तो आप बताइए, पिछली बार तो त्यागी समाज ना बाएं देख रहा था ना दाएं देख रहा था, सिर्फ कमल का फूल देख रहा था, इस बार आप कह रहे हैं क्या नाराजगी के तो देख रहे हैं जब घूमने कोई रिजल्ट नहीं हाथ तो आ रहा है, बिलों की माफी कर दिया जो एकदम पुलंदा साला बंद के किसान 60-70 हज़ार देने पड़ेंगे तो कैसे होगी? जो दफ्तर से जवाब मिला मुझे तुम्हें एक महीने पीछे देखना आज ही बताओ आज ही तो बेसिकली अच्छा छुट्टियाँ नहीं हो बिल माफ करेंगे मीटर लगाओ वो पे है जो जान खींचने उधर लेंगे साले किसान को रोटी मिल नहीं रही रहने। ये जो वोट इस बार जारी, आप कह रहे हो कि इस बार भाजपा से आप नाराज हैं, आवारा पशु वगैरह जैसे मुद्दे कितने आपको परेशान कर रहे हैं? क्यों खा गए रे सारे बूझो कई कई उसकी चौबंदी करनी पड़ी है। अच्छा हाँ और कुछ जो गेहूँ खा जाते हैं उसका कुछ मुआवजा मिलता? कुछ भी ना मुआवजा मिल रहा। तो ये बताइए आवारा पशु से आप परेशान हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं 500 रुपये की, हमारे तो नहीं आई जी आज तक भी, आज तक नहीं आई जी। अच्छा जी तो ये बताइए फिर किधर वोट देने की सोच रहे हैं? जब यहीं से जा रही है 500 रुपये हमें दे रहे हैं 17 रुपये रोज के, देखें यूरिया कट उतने कम कर उतने सब किसान का पैसा, किसान का भी 10 कट्टा कम हो गया, किसान का किसान भी ना मिल रहा है, ये तो सब कहने की बात है, कहने की बात है। 10 किलो घटा दिया उसके साथ भी कुछ और लगा के देना है। बेमतलब की जो किसान लेना नहीं चाहता नैनो ठोक दी खाम मुखा और एक चीज को लो जबरदस्ती हो जाए पहला पहल कमा तो बनिया ही रहा इसमें किसान के इस्तेमाल किसान की बात। तो आप ये बताइए फिर आप किधर वोट देने की सोच रहे हैं? वोट तो हम आपको बसपा को देंगे, बसपा क्योंकि आपके देवव्रत त्यागी जी हैं जी, ऐसे देंगे। वैसे भी समस्या है जी इनसे, यहाँ कोई हल नहीं हुआ अभी। राजेंद्र जो है 3 बार हो लिए सांसद, हमारे गांव में नहीं आए बनने के बाद में, चुनाव का टाइम आए हुए कोई नहीं। ये मुझे समझाइए आप लोग, क्योंकि एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन भी हुआ वहाँ दिल्ली के सरहदों पर 13 महीने के लिए, 750 किसानों की शहादत भी हुई। बोला ये जाता था कि जाट किसान ही ज़्यादा जा रहे हैं कुछ गुजर, लेकिन क्या वो नाराज़गी किसानों में सब में ही है, चाहे वो जाट हो गुजर हो त्यागी हो सब में ही उसी तरह की? तो किसान तो बिरादरी अलग है, बिल्कुल बिरादरी अलग है, हाँ समस्या सभी के साथ है। तो क्या कहीं ना कहीं ये जो राजपूतों के भी इतनी नाराज़गी देखने को मिल रही है, त्यागियों की भी इस बार नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्या कहीं ना कहीं मूल मुद्दा या खेती का ही है जिसकी नाराज़गी? हाँ असली तो यही है, हमारा तो यही है जी खेती का ही। तो अपने मुद्दे को जानते हैं, फैक्ट्रियों से हमको मतलब ही बताओ तुम, फैक्ट्रियों के बारे में हम क्या जाने, जो नंबर दो काम करे हुए नंबर दो में जाने, उन्हें कुछ सही बात, उन्हें जिन्हें खींच रहे होंगे उन्हें वे जाने, सही बात। हम तो खेती की वजह से हाँ, तो हफ्ते भर में आ रहा, तो 26 तारीख को चुनाव आ रहा, क्या सोच रहे हैं इस बार? बीजेपी को देंगे, बीजेपी को देंगे इस बार बताइए। यहाँ आपके कई लोग तो लेकिन नाराज होकर देवव्रत त्यागी जी पर जा रहे हैं जी, तो दुनिया पब्लिक है। हाँ जी ये हाँ? कोई कहीं जाएगा मेरी घरवाली कहीं जाएगी। अच्छा हाँ? ये वोट का ही अधिकार है देने, और का अधिकार है, सही बात है, सही अपनी वोट को कर ले इस्तेमाल। चलिए आप बताइए आप काश्तकार हैं? हाँ जी। तो ये बताइए 10 साल काश्तकारों के लिए कैसे रहे हैं बीजेपी सरकार में? बीजेपी को कुछ भी ना रहा, कुछ भी ना रहा ना, क्यों नाराज है? गन्ने का भाव बढ़ाया कुछ 5-10 साल में, और किसान को और क्या आराम है? तो आप ये बताइए गन्ने का दाम नहीं बढ़ा 10 साल में, पेट्रोल डीजल कहाँ गए? डीजल का दाम बहुत बढ़ गया आप कह रहे हैं, और ये इसका गन्ने का दाम इतना नहीं बढ़ा, साथ में आवारा पशु की दिक्कत है, यूरिया और कम कर दिया भाव और बढ़ा रहा, 45 का कट गया कट्टा भी, 45 का क्या 40 का, 40 का, 40 हाँ तो बताओ। तो एक चीज बताओ, आप हर चीज से नाराज हो लेकिन वोट आपकी भाजपा पे जा रही है, कौन सी दिख रही है? हाँ जी। और कोई दिख रहा है? अच्छा इनको तो देवव्रत दिख रहा था। हाँ जी देवव्रत तो बिरादरी का, पर पार्टी में कौन सा जा मरा? अच्छा तो आपको भाजपा से ही मतलब है बस। लेकिन इतनी नाराजगी आपके अंदर कि किसानों के लिए 10 सालों में कुछ नहीं हुआ और दिक्कतें बढ़ गई, लेकिन वोट आपका सीधा भाजपा पे जा, और पार्टी पर और क्या कौन है कौन? मुझे नहीं पता, आप कह रहे हैं ना लोकतंत्र में तो बहुत सारी पार्टियां होती हैं, यहाँ पर हम भी अपने घर के प्रधानमंत्री हैं। हाँ जी हाँ बस। तो आप मतलब भाजपा पे इसलिए जा रहे क्योंकि आपको लग रहा है जीतेगी भाई? अजी जीतो हारो बीजेपी को देनी है। अच्छा बस जी। नौजवान हैं आप, क्या नाम है आपका? प्रिंस त्यागी। प्रिंस त्यागी क्या करते हो प्रिंस? फिलहाल खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हो भाई, बताओ प्रिंस 10 साल कैसे रहे हैं किसानों के लिए इस सरकार? बस मीडियम रहे, अच्छे भी है कुछ काम, अच्छे रहे कुछ। क्या अच्छा रहा है क्या खराब रहा? अच्छे तो देखो
बीज खाद वगैरह सब कुछ सब्सिडी तो सब में मिल रही है, ठीक काम चल रहा है। वो तो पहले भी मिल रही थी। हाँ जी। और खराब क्या रहा? औसत रहा है काम, बढ़िया। हाँ? अच्छा कह सकते हैं, औसत कह सकते हैं। अच्छा, और खराब क्या लगा? खराब बस जैसे अभी गन्ने का भाव भी उस तरह से नहीं बढ़ा पाया जिस, हाँ इस तरह कम से कम 50 रुपये क्विंटल की बढ़ोतरी होनी चाहिए ही, कुल 20-25 बढ़ा है। बहुत चीज थोड़ी सी, हाँ कुछ चीज़ ऐसी लगी है कि हाँ जी। तो फिर यहाँ बताइए, यहाँ कुछ लोग इस बार त्यागी समाज एक तरफ तो देवव्रत कह रहा है, एक तरफ भाजपा कह रहा। अरे एक मिनट भाई साहब, आप पर भी आ रहा, मैं 2 मिनट तो दो, अभी नौजवान बात कर रहा। हाँ जी, आप किधर जाने की सोच रहे अब की बार? देवव्रत त्यागी को वोट दे, आप देवव्रत त्यागी को दे रहे हैं, क्यों इस बार भाजपा पे नहीं जा रहे? बस ये क्षेत्रीय नेता नहीं है, वैसे भाजपा सरकार ठीक है, अच्छी है, लेकिन क्षेत्रीय नेता ना होने की वजह से थोड़ा। अरुण गोविल जी जो बाहर से, हाँ जी वो बॉम्बे से हैं, नेता हैं इधर, उन्हें किसी को टिकट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन बाहर के व्यक्ति को जो टिकट दिया इस वजह से स्थानीय नेता को देना चाहिए। काफी कार्यकर्ता 20-30 साल से जो कार्यकर्ता यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी को टिकट नहीं दिया इन्होंने, वो नाराजगी। हाँ जी, बाहर का एक बाहर से ला रहे हैं तो गलत है वो। तो चुनाव आते आते नाराजगी कम हो जाएगी या यही रहेगी? बस फिलहाल तो देवव्रत त्यागी को वोट देने का सोचा है। सर अभी हम चंदसारा गांव में हैं और त्यागी बाहुल गांव है, यहाँ पर कई लोगों से बात हुई, त्यागी समाज के कई लोगों से बात हुई। वोट इस बार जहाँ पिछली बार एक तरफा भाजपा को गया था, इस बार थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कई सारे त्यागी समाज के लोग हैं जो यहाँ पर अब बसपा के देवव्रत त्यागी की भी बात करें, कई सारे लोग आज भी भाजपा पर ही खड़े होने की बात कर रहे हैं। जुड़े रहें CCA के साथ, चुनावी खबरें जो उत्तर प्रदेश से आप तक आती रहेंगी।